क्योंकि अभी तक योगी आदित्यनाथ सेलेक्टेड मुख्यमंत्री थे, और ये हमको अपने 35 साल के अनुभव में पत्रकारी जीवन में बहुत अच्छे से पता है कि सेलेक्टेड और इलेक्टेड में जमीन और आसमान का फर्क होता है। एक लाइन में, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मंक इनटू मास लीडर। इसके पहले योगी जी की जो पहचान थी वो एक मठ के कारण थी, मठ के कारण की अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं थी। पहली पहचान उनकी बनी मठ के कारण, बनी उनके गुरु और मठ के कारण। दूसरी पहचान उनकी बनी भाजपा के कारण। तीसरी पहचान उनकी बनी मुख्यमंत्री, लेकिन चयनित या प्रमोटेड बाई आरएसएस, वहां आरएसएस ने रोल प्ले किया था। योगी जी ने इन सारे बंधनों को तोड़ के, ये एक व्यक्ति के कर्म की पराकाष्ठा है, मैं आपको देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे पहचान को तोड़ के, हमारे पूर्वज भी बोलते थे ना, अपनी पहचान खुद बनाओ, अपने पैर पे आप तो दीपो भाव, आप तो दीपो भाव जो बोला जाता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को यहाँ मिला कि योगी जी ने जितने भी भौतिक पहचान उनको मिले थे दूसरों के द्वारा, उन सारे भौतिक पहचान को खत्म करते हुए, मिटाते हुए, अपने दम पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है एज ए मास लीडर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पक्ष इसका देख लीजिए, इसका असर क्या होगा। किसी भी आदमी को चुनौतियां दो स्तर से मिलती है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य स्तर से योगी जी को चुनौतियां समाजवादी कांग्रेस इन सबसे मिलती थी, लेकिन आंतरिक स्तर पे भी चुनौतियां मिलती थी। जो उप मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बाहर से कोई आता था प्रेशर, ये सब टसल चलते रहते थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो गया, ये पौरुष की पराकाष्ठा है। मुझे वो चीज भी याद है, एक टाइम ऐसा लगा था कि योगी जी को ना कोई निर्देश था, लेकिन अकेले 80 के 80 जिलों में ये घूम रहे थे जब कोविड वगैरह या इन सब चीजों की महामारी फैली हुई थी, कोई ताना बाना नहीं था।